नमस्कार, मैं मिथि वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं कुछ खास दिखाने वाला हूं, क्योंकि वरना लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भैया बजट आपका 20 लाख वाला नहीं है तो आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो मेरे पास एस वेरिएंट है, नॉर्मल वाला है, एमपीआई इंजन वाला इनका, और इसकी कीमत 10,95,500 है। और ये एस वेरिएंट क्यों वैल्यू फॉर मनी है, यही आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सब कुछ बताऊँगा इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि आपकी आँखें खुली की खुली रहने वाली हैं अगर पूरा वीडियो देख लोगे और प्लान कर रहे हो आप वरना खरीदने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ बैठकर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है इसमें नहीं मिलता है, तो तुरंत आप शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत डिफरेंस है। एक तो हेडलैम्प आपको ये वाला मिलता है, नॉर्मल वाला, और लेकिन ये पूरी जो लाइटिंग है यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरी मिल जाती है इस गाड़ी में मिलेगी। और पूरा का पूरा अप्रोच एंगल वही मिलने वाला है जो आपने देखा है, और पूरा जो अंदाज यहाँ पर रखा गया है वो भी वरना का मिलेगा टॉप वेरिएंट वाला। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट में कैमरा नहीं मिलता है, ना ही फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, उसका दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल। तो भैया अगर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जिससे ज़्यादा आप पता लगा सकें टॉप वेरिएंट है या फिर इसका एस वेरिएंट है बेस के ठीक ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब आप ये वाला अलॉय देखेंगे तो ये एकदम अलग किस्म का है। जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है वो अलग मिलता है। और यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल भी बदला मिलेगा, यहाँ पर 185/65 R15 के मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में आपको 16 इंच के मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है, अगर देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं आता है। तो आप रिक्वेस्ट मतलब चाबी अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर चले जाएंगे, चाबी से ही मतलब रिमोट से ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। इसकी चाबी इस तरीके से आती है, और आगे बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ORVM पर मिल जाते हैं, बाकी का पूरा अंदाज आपको इस पर वही मिलने वाला है। लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है, अभी आपको बताता हूँ। तो आपको अब रियर दिखाता हूँ, इसके बाद में इंटीरियर में लेके चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका रियर, रियर में क्या चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपको पैरानेमिक कनेक्टेड LED टेल लैंप मिल जाते हैं इस तरीके के, बहुत अच्छे लगते हैं देखे चलते हैं। तो पूरा ये बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ दिया गया है, वरना की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ से भी आपको नहीं पता चलने वाला है टॉप वेरिएंट है कि Hyundai का ये वाला लोगो। और पीछे आपको 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है या नहीं आया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वाले वेरिएंट पे इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाता है, और ये देखेंगे जो डिपार्चर एंगल दिया गया है ये भी परफेक्टली इस गाड़ी में भी आपको नज़र आएगा। तो ये भी पूरा का पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक की यूनिट, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि टॉप वेरिएंट है या नहीं, जब तक कि बहुत बारीकी से इसे नहीं देखेंगे। अब मैं खोल देता हूँ इसका 528 लीटर का बूट स्पेस, क्योंकि यहाँ पर 528 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है कंपनी। चाबी से एक्सेस करना पड़ेगा, ये खुल गया, और काफ़ी गहराई इसके अंदर मिल जाती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसे ऐसे बनाया गया है कि जहाँ पर आपको जगह यहाँ भी मिल जाती है बूट में भी, और इसके पीछे वाली सीट पर भी मिल जाती है। कितनी जगह मिली है अब वो देखते हैं, और क्या क्या फीचर कट हुए हैं यहाँ पर वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलते चलते बता दूँ, यहाँ पर स्टॉप माउंट लैम्प, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब लेके चलते हैं सीधे आपको इंटीरियर में। तो भैया पीछे बैठ कर ना आराम पूरा का पूरा मिल रहा है, तो अगर चाहे आप ज़्यादा पैसा खर्च करें या फिर कम पैसा खर्च करें, आराम आपको यही मिलने वाला है। और ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये बताता हूँ। तो यहाँ पर जो फैब्रिक मिलता है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब गंदा हो सकता है तो इसे कवर चढ़वा लीजिएगा। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, और इसे आप बंद भी कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको लाइट इस तरीके से मिल जाएगी। तो LED नहीं है ये, मतलब हैलोजन बल्ब वाली यहाँ पर लाइट मिलती है। पीछे भी मिल जाता है, आगे भी मिलता है, आगे का बाद में दिखाता हूँ। हैंडल वगैरह दे दिए गए हैं, दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। ये लगता है देखने में सॉफ्ट टच है, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है। लेकिन जब आप बैठेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जितना आप पैसा डालोगे उतना आपको लग्जरी मिलेगी, और यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है। क्या और अच्छी चीज़ है, AC वेंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दो लोगों के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। पर्स वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर आप सामान वामान छोटा मोटा रखना चाहें, किताब वगैरह, तो इस सीट के पीछे रख सकते हैं। बस ये है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीट गंदी ना हो, इसके लिए इस पर एक अच्छा सा कवर चढ़वाना पड़ेगा। एयरबैग आपको यहाँ पर कर्टन एयरबैग मिल जाते हैं, सामने भी एयरबैग मिलता है। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इन्होंने, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा है। अब आगे क्या कुछ ऑफर किया है इन्होंने वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो भैया जब आप 10,95,500 रुपये एस वेरिएंट के लिए खर्च करते हैं, यहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए
एक तो इसमें आपको फर्क मिल जाएगा, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है वो अलग है। मैं ढूंढ रहा था, पता क्या ढूंढ रहा था, मुझे लग रहा था स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, चाबी लगानी पड़ेगी, चाबी लगा लीजिएगा इसको चलाने के लिए, चाबी लगा देता हूँ थोड़ा सा आप इसका फील ले पाएँ। तो यहाँ पर कुछ इस अंदाज में मिल जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या की है, ये वाला पूरा का पूरा यूनिट यहाँ पर भी रखा गया है, बचा के रखा हुआ है, और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें रेडियो बजाना रेडियो बजा लीजिए, ये वाला मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा था, इसे दबाएंगे तो एसी वाला आ गया, तो एसी को कम कर सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं। और रेडियो वाले पर चले जाएंगे तो इसका आप ए वॉल्यूम का काम शुरू कर देता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलता है, हालांकि बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, बट टॉप वेरिएंट वाला फील नहीं आने वाला है। ये 10.25 इंच का है पूरा का पूरा, ये डिजिटल क्लस्टर है, और यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इस पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बड़े अच्छे से आती है, मुझे शुरू से पसंद आई है। और यहाँ पर आपको टायर मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह मिल जाता है, तो आप जो मौका मिलेगा खरीदिएगा, तो इसे सब एक्सेस करते रहिएगा। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे कर लीजिए, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों की सुविधा इसमें मिलती है, ऐसा नहीं है कि एस वेरिएंट है तो ये चीज़ मिलने वाली नहीं है, और सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यहीं से आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको नहीं मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग है, बाकी पूरा का पूरा आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आराम से देखते चले जाइए, MID पे सब कुछ आपको ही बताता चला जाता है, मौका मिलेगा तो इसे एक्सेस करिएगा। इस सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसे आगे पीछे आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तो क्योंकि आप भैया 10,95,500 एक शोरूम खर्च कर रहे हो, तो उस हिसाब से फीचर इसमें दिए गए हैं। यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती कि आप वायरलेस मोबाइल चार्ज लगा ऐसे रख दें और चार्ज होने लगे, तो यहाँ पर ये भी फीचर नहीं मिलेगा। और वेंटिलेटेड सीट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पर जगह आपको मिसिंग मिलने वाली है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, USB का एक सॉकेट मिल जाता है, और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो अपना आप पूरा मोबाइल वगैरह चार्ज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको AC बैंड का अंदाज वही मिलेगा, एयरबैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टीयरिंग पर एक चीज़ और बताता चलो, ये स्टीयरिंग देख के लगता है सीधी कब होगी, तो बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बट ये हिंडे ने दिया है, मुझे तो पसंद आया, आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बता सकते हो। सीट का जो कुशनिंग वगैरह अच्छा है, और यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह इस तरह से मिल जाता है, इसके नीचे भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, यूटिलिटी स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है, कप होल्डर यहाँ भी मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं, दरवाजों पर सामान रख सकते हैं, और चारों पावर विंडो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, वारंटी मिरर यहाँ पर मिल जाता है, और ये रही इसकी लाइट, चश्मा उस्मा रखने की जगह यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है, क्योंकि भैया एस वेरिएंट है तो उसका भी ख्याल इन्होंने रखा है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आपको वारंटी मिरर मिलता है, लेकिन लाइट इसमें नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है। और सनवाइजर पर ये सब कुछ देने की कोशिश की है, और एक सिंपल सा आपको ये IRBM मिल जाता है, जिसमें और जो ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता है, मैनुअली आपको एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर वो वैल्यू क्रिएट करती हैं जहाँ पर आप इतने पैसे डाल रहे हो, मुझे लगता है जिसको वरना पसंद है। और टॉप वाला, क्योंकि यहाँ पर अडास वगैरह के फीचर नहीं मिलते हैं, तो टॉप नहीं खरीद पा रहा है, तो इस वरना को खरीद के कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि जो फीचर मिसिंग है ना वो अमूमन लोग ना बहुत सारे टाइम यूज़ नहीं करते हैं। तो एक बार इंजन भी खोल के दिखा देते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए भैया देख लेते हैं इसका इंजन भी, क्योंकि इसके पहले जो दिखाया था टर्बो दिखाया था, और ये एस वेरिएंट आपको इनके MPI इंजन के साथ में आता है, 1.5 लीटर का है, 115 PS का पावर आउटपुट देता है, 143.something Nm का टॉर्क इससे निकलता है। ये पूरा का पूरा इसका पैकेजिंग है, जो कि अच्छा लगने वाला है, और ये 4-सिलेंडर इंजन है। इसका परफॉर्मेंस का जिक्र बाद में करेंगे, चलाएंगे और सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, इंसुलेशन प्लेट वगैरह नहीं मिलता है, एस वेरिएंट है तो कुछ कुछ कटिंग आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है, जो कॉस्ट कटिंग दिखेगी। और इसे बंद करते हैं, काफ़ी ठीक लग रहा है, मतलब हैवी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। और मेरा मकसद होता है ऐसे वो वीडियोस लाने का जहाँ पर बता सकूँ कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी क्या बनता है। तो चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करने की।